दर्शक, मैं ब्लूबर्ड सिटी के मेन गेट के सामने मौजूद हूँ और आप मेरी बैक साइड के देख सकते हैं, जो इसे गेट वन है उसके आप एंट्रेंस देख सकते हैं। ये ब्लूबर्ड सिटी का गेट वन आप देख रहे हैं। आइए हम साइट का टूर स्टार्ट करते हैं। जो उसका नीचे वाली साइड में मुंह था उसको सामने वाली साइड में शिफ्ट किया है, इसका मुंह ऊपर की तरफ उठा हुआ है, इसलिए इसको इधर जाना ये बनाया है। दूसरा ये दूसरा बन रहा है, ये दूसरा है ना, एक ही साइड पे, एक ही साइड पे। ये आपको मोटरवे से नजर आएगा। इस वक्त हम ब्लूवर्ड सिटी के मेन ब्लूवर्ड से गुजर रहे हैं। वहाँ से हमें पूरा एक व्यू जो ना वो आ जाएगा, तो वहीं से जाके देखेंगे ना। ये इसका कॉर्पोरेट ऑफिस बनेगा, बुर्जल अरब उसका रेप्लिका बना रहे हैं। ये रेप्लिका उसका बन रहा है, ये इसका मॉडल है, नहीं बन रहा है, ये इस तरह का बनाएंगे। हाँ, ये चीज़ बनाएंगे। अच्छा, काफ़ी बड़ा है, मुझे स्टोरीज याद। 14 स्टोरी ये बनेंगे। ये इनका कॉर्पोरेट ऑफिस आ रहा है, बाकी ये ना उसकी वो डिगिंग हुई है सारी। ये जो इसकी रोड है जो जिसपे ये वाटर थीम पार्क, इसकी रोड का भी कार्पेटिंग हो रही है। वाटर थीम पार्क ये कोई पौने 200 साल का है, नहीं 300 सर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा वाटर थीम पार्क बनाने जा रही है। ये हम भी आप ऊपर से चल के देखे ना, बहुत सारा है इसके ऊपर से आ जाती है। ये इसके ऊपर से आ जाती है, ऊपर जाना है तुम्हें। वो तो बहुत दूर थी ना पीछे, दूर है। इंस्टॉलमेंट कितने साल के हैं? 4 साल के। इसमें फ्रेश बुकिंग भी मिल रही है इसमें, हाँ जी। उसमें ऑप्शंस बहुत सारी हैं, अगर आप लेना चाहें ना। ये कितनी किस्त बनती है वैसे 1000 रुपये महीने की? इनकी हॉर्टिकल्चर को सारी, ये देखें, ये राइट पे देखें, ये सारा हॉर्टिकल्चर वाला एरिया और स्पोर्ट्स एरिना, ये स्पोर्ट्स के यहाँ पर नहीं है, ये रूबी स्क्वायर है। इसका ऑनर कौन है? साद रफीक हैं, इसके जो CEO हैं। चौधरी नई मिजाज, नदी मिजाज और साथ लोकल से यहाँ पे चौधरी साहब जो नदीम और नई मिजाज से बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं तो वो तो अप्रूव अपनी, अब तो 8-10 साल ही बात नहीं है, उससे पहले ही हो जाएगा।
ये आप देख रहे हैं, ये है इसका जो ना नहीं, ये जो बिल्डिंग है ये फोर्सेस स्कूल एंड कॉलेज जो है ना उसकी बिल्डिंग बनी हुई है। कितने ब्लॉक में सर चलिए, ये थे वो जो ब्लॉक आप बताए जी जी, नहीं ये वो एक कॉलेज है, फोर्सेस कॉलेज है, कॉलेज हाँ जी वो है जो विलास बना रहे हैं। तो आपकी जो लैंड इधर ही है, हम लोग इसी के अंदर आते हैं, नंबरिंग नहीं हुई ना? नहीं मेरे अभी बैलेटिंग वाले नहीं है ना, और सीरीज के बाद है। ये जो सामने बने ना ये सीरीन विलास बना रहे हैं, ये वाले जी ये पांच पर लेके आई थिंक विलास पांच पर लेके सीरीन विलास, इसका रेट मुझे देखना पड़ेगा, मैं बता दूंगा आपको। ये विलास बना के दे रहे हैं इसमें ना, सिर्फ टेंट से होके वापस हो अंदर से नहीं अभी जी सर, सर बहुत सस्ती। ये इनके वेयर हाउसेज हैं, ये सारा वो उनका वो वेयर हाउस है, ये इनका इंजीनियर्स ऑफिस है, ये ब्लैक वाला नज़र आ रहा है, और पीछे जो सारा वो इसी के इनकी सारी वो पूरी इनकी अपनी मशीनरी अपना सब कुछ है, आगे से अभी बन रही है। साहब जो है ना वो लोकल है, नहीं आगे उनका अपना यहाँ अपनी ज़मीनें थी छोटी मोटी थी, इनके साथ मिले इनकी विजन मिल गई आपस में, तो इन्होंने मिल मिला के फिर यहाँ पर ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। इसीलिए तो शुरू में काम नहीं करते ना, वरना लैंड मिलती नहीं पहले लैंड प्रोक्योरमेंट से कितना टाइम लगेगा आपके अंदाजे में किस चीज़ में इस सोसाइटी को? देखिए वो इतना ह्यूज प्रोजेक्ट होते हैं वो कोई चंद सालों में तो नहीं होते, देर लगती है, स्टार्टिंग तो हो जाती है ना, उसके ब्लॉक्स फर्निश हो जाते हैं चीज़ें, अब ये देखें ऑन ग्राउंड आ गए तो स्टार्ट हो गया ना, ये दिसंबर में पोजेशन दे देंगे इसकी, फिलहाल आपके सामने बन रहे हैं, और इसके बाद ये कि जो है ऐसा ऐसा यहाँ लोग बनाना शुरू कर देंगे जो लोकल लोग हैं। अच्छा कुछ यहाँ जो होंगे तो 60 लोग काम कर रहे हैं जैसे एक्टिविटी होगी लोगों का, लोकल लोग भी यहाँ कुछ बनाएंगे, दूसरा जो यहाँ इतना बड़ी यहाँ बहुत बड़ी वर्क फोर्स काम कर रही है, फिर ये जो एक्टिविटीज़ होंगी तो उनके लिए भी तो आपको लिविंग जगह चाहिए ना।
ये सामने हमारे गेट टू है, तैयार हो रहा है जो। ये गेट वन आप देख सकते हैं, ये इसका गेट टू तैयार हो रहा है। तो नाज़रीन, आज मैंने कोशिश की कि गाड़ी के ऊपर यूनिवर्सिटी की साइट का एक कंप्लीट विजिट हुआ है, जो जनरल ब्लॉक था, वाटर थीम पार्क और जो इसका मेन बुलेवर्ड के वो सारा टूर मैंने करवाया, और अभी हमारा ये टूर ख़त्म होने जा रहा है और अभी हम जो इसका मेन गेट से एग्ज़िट कर रहे हैं। तो आप सब दोस्तों के आज के टूर में हमारे साथ टूर करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।